आप आइए उधर आ क्या खास वजह रही जहाँ तक मैं भट्ट साहब को जानता हूँ या पाजी आपको जानता हूँ, बड़ा मुश्किल से आप नहीं नजर आते हैं जब तक कोई चीज मन को ना जलस योर रीजन दो भी नो ऑल अबाउट मस्तानी स्टिल फॉर योर लव। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म के इस सेलिब्रेशन में शामिल हूँ। जब हमने हमारा एक अनस्क्रिप्टेड शो बनाया पहचान, जिसको सुनीता जी ने डायरेक्ट किया और इन्होंने प्रोड्यूस किया, तो मैं अपने सिख भाइयों के इतने करीब आया और उनकी रूह का एक स्वाद जो मेरे जहन में बैठ गया, मुझे उनकी गहराई का अंदाज़ा तभी हुआ। इतिहास तो हम पढ़ते रहते पन्नों में, मगर जब आप जिंदा लोगों से मिलते हैं ना, फिर आपको वो तहजीब जिस पे ये मज़हब खड़ा है उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई भी समझ आती है। और मैंने अपने भाई दोस्त अवतार गिल से सुना है कि ये फिल्म में वो रूह जो है बहुत खूबसूरती से पेश की गई है, इसलिए ये हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में तहलका मचा रही है। तो हमारे लिए ये मुल्क को जगाना है कि भैया हमारे पास एक ऐसी पूंजी है जिसके अगर हम करीब आएँ तो शायद हमारे अंदर जो जंग जाले जो बैठ गए हैं वक्त के साथ वो साफ हो गए। ये मेरा फिल्म के साथ जुड़ने का मेन मकसद ये था कि पंजाब की ये पहली मूवी है, एक तो बहुत महंगी मूवी और दूसरा ये था कि अभी तक पंजाब 50 साल से ज़्यादा फिल्में बना रहे हैं, कॉमेडी ड्रग और ज़्यादातर उसके गाने लड़कियां, ये पहली ऐसी मूवी है जो असल पंजाब को दिखाती है कि पंजाबी कैसे होते हैं और कैसे वॉरियर हैं। जब नादर शाह अब्दाली जब उसने इंडिया में हमला किया और उसको ये था कि यहाँ से बहुत सारे हिंदुस्तान से बच्चे बहू बेटियाँ उन सबको जबरन लेके जा रहे थे और बहुत सारा लूट का माल लेके जा रहे थे। नादर शाह अब्दाली बहुत ही बड़ा वॉरियर था, उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल था। तब सिख लोग आई आई आपके बगैर महफिल अधूरी है। क्या ठीक हो? सो इतने बड़े लाहौर लश्कर उसके सामने खड़े होना किसी की हिम्मत नहीं होती कि जुल्म के खिलाफ कोई बोले। तब सिख लोग जंगल में बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में रहते थे, उन्होंने फैसला किया कि इन बहू बेटियों को छुड़ाना है। तो रात को छोटे टुकड़े होते थे, इतने बड़ी फौज से लड़ नहीं सकते थे। रात को 12 बजे जब बचते थे तभी सिख फौज जाती थी छोटे टुकड़े में और उस पर हमला करके बहुत सारे लोगों को छुड़ाना, लूट का माल छुड़ाना। तो नादर शाह अब्दाली बहुत परेशान हुआ कि ये कौन लोग हैं जो नादर शाह अब्दाली की ओर हमला कर रहे हैं। तब उसने ज़करिया खान को बोला ये कौन लोग हैं, उसने कहा ये बागी हैं। तो बागी तो हैं कौन? बोले सिख हैं। बोले सिख हैं तो कहाँ रहते हैं? बोलते रहते हैं जंगलों में और बिना काठी के घोड़ों में सवार रहते हैं और जो हाथ में उनके हाथ में सामान होता है उससे लड़ लेते हैं। बोले ऐसे कौन मुझे दिखाओ? तो बोले ऐसे दिखाना बड़ा मुश्किल है, बोले पकड़ के लाओ। तो ज़करिया खान ने एक प्लान बनाया कि ये कहानी हो जाएगी, बहुत जरूरी। ज़करिया खान ने प्लान बनाया कि इनको सिख दिखाए जाए कैसे हैं। तो वो नकली लोगों ने कहा कि आप लोग एक्टिंग करो सिखों की, तो ये उसको भी। तो नकली जब लोग आए और एक्टिंग करनी शुरू की तो मेन बात यह है कि आप किसी भी धर्म में आपकी प्रेम में आपकी अरदास में बहुत ही पावर होती है। तो वो नकली सिखों ने कहा कि अब तो लड़ना है, प्रे की गुरु नानक महाराज को, हमारी लाज रखनी है, उसके बाद जब आप मूवी देखोगे
और ये ऐसी मूवी है कि शुरू से लेकर आखिर तक आदमी इसमें रोता ही रहता है, बहुत रब से जुड़ जाता है। तो मेरी मेन वजह इस मूवी को प्रमोट करने की इसलिए थी, मैं आज तक पंजाबी मूवी कहीं गया नहीं, क्योंकि मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी होती थी, असली सिख दिखाते नहीं थे, इसलिए मैं जुड़ा हूँ उसके साथ। बहुत बहुत बधाई मस्तानों ने, वाई पी एफ का बहुत, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, रुबलीन जी का, गुरमीत जी का, मेरी वाइफ तरनप्रीत और मेहंदी जी, हमारे साथ मेन जो हमारे धरोहर हैं साथ में जुड़े हुए, मकेश भट्ट साहब, महेश भट्ट साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मूवी बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड अमेरिका यूके कनाडा तोड़ चुकी है और बहुत ही सक्सेसफुल चल रही है मूवी। आप सबकी बहुत दुआएं हैं और सच्चाई की मूवी है, बड़ी बड़ी मेहरबानी। देखिए क्या होता है, जिस तरह आग को पीआरओ की जरूरत नहीं पड़ती, आग अपने आप फैलती है, उसी तरह से ये फिल्म की जो का जो शोर है दुनिया के कोने कोने में अपने आप जो है उसकी जो रूह है, उसकी पाप रूह है, उसकी वजह से। और जब मैं, जैसे मैंने कहा, जब ये पहचान, जब हमने ये अंस्क्रिप्ट शो किया तो तब मैं अपने सिख भाइयों से मिला, तो हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था, मगर जब हम जिंदा लोगों से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में झांकते हैं तो समझ में आता है कि जिसको आप जो मज़हब की जो एक बेसिक सोच है वो इनके अंदर जिंदा है, तभी इन्होंने वो मकाम हासिल किया है। तो मेरा ये मानना है कि ये फिल्म जो है दुनिया भर में जोड़ने का काम करेगी, जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक पोलराइज दुनिया हो गई है और उसमें अगर कोई मज़हब का कोई रोल होता है वो एक ही रोल होता है कि दिलों को करीब लाए, फासले कम करे और हर हालत में अपने जो जो सच जो आपको सिखाया गया है उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। ये फिल्म मैंने बनाई नहीं है, मैं सिर्फ इसके इवेंट से जुड़ने आया हूँ, मगर ये मेरा भाई इसमें है और मुझे इसकी बे इंतहा खुशी है कि इसने उस फिल्म में काम किया, बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। व्हाट्सएप जैसी शख्सियत जब आए और आके आपको सपोर्ट करे, आपके काम को सपोर्ट करे, उसकी हौसला अफजाई हो जाती है और आपके मानते कि बात दूर तक जाती है। बात दूर तक जानी भी चाहिए, वरना फ़ायदा क्या इनके आने का। और हम जो हैं वो एक और एक मिल के 11 हो जाते हैं, दो नहीं होते, इतना हौसला है। अगर ये है तो फिर क्या काम है, और हमेशा ही रहे हैं। और आज पंजाबी पिक्चर के लिए आके खड़े हैं क्योंकि इनके अंदर सरदार भाइयों के लिए हमेशा से था। ये 75% सिख तो हो चुके हैं। एग्जैक्टली और 25% हम बाकी का बना देंगे इनको। तो इन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है और आज फिल्म तो, और फिल्म ऐसी है कि जिस जिसने देखी है वो रोंगटे खड़े कर देती है। वो एक ही पैगाम है कि सिख जो है वो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। ज़्यादा करके लोग किसके लिए लड़ते हैं, जर जोरू ज़मीन, इनकी लड़ाई उन तीनों में से किसी पे नहीं है। ये जिसके ऊपर जुल्म होता है, कमज़ोर के ऊपर, उसके साथ खड़े हैं, बेटियों की असमत के साथ खड़े हैं, बहुओं की असमत के साथ खड़े हैं, जहाँ भी इंसाफ नहीं हो रहा वहाँ ये लड़ने के लिए खड़े हैं। और यही इनको गुरुओं से सीख मिली है और यही इनकी ज़िंदगी का मकसद है और यही ये करते रहे और ये करते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। इनको खाने को मिले ना मिले, शाबाशी मिले ना मिले, ये उसकी बात सुन के बस अरदास करते हैं और बोल देते हैं जो वाले सो गया। रमीन साहब आप बोले स्टेज में आ रहे, हाँ अब आए। देखिए जो सिखिज्म है ये इंसानियत का मजहब है, इंसानियत का, प्यार मोहब्बत का, उस पर कोई फर्क नहीं हो सकता, ना धर्म का ना जाति का। हमारे जो गुरु जो दरबार साहब हैं, जो अपने जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसके 1430 पेजेस, जिसको हम अंग बोलते हैं, 1430 पेजेस हैं, 48 घंटे लगते हैं पढ़ने में, पर पहला लफज, पहला वर्ड एक ओंकार, भगवान एक है, शुरुआत। और एंड में हम क्या बोलते हैं, सर्वत का भला सबका, ना दुश्मनी ना दोस्ती, सब अपने सब,
हमारा धर्म ये बोलता है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है वो कभी फैसला करती है कि क्रिश्चियन है या ब्राह्मण है, जब बरसात आती है क्या वो देखती है दलित है या मुसलमान है। वैसे ही बच्चा पैदा होता है, वैसे ही हम संसार से जाते हैं, वही ब्लड ग्रुप है। जब भगवान ही कोई भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? सब हमारे, सब महाराज के, सब हम उनके जुड़े हुए हैं। इसी तरह प्यार मोहब्बत लेके आपस में आगे बढ़ते चले, तभी हम जिंदगी में कामयाब होंगे, तभी हम उसको जवाब दे सकेंगे। ये छोटी छोटी धर्म जाति के ऊपर जो चलती रहती हैं, बड़ा दुख होता है, और सिख इस पर विश्वास नहीं करता। जैसे अभी प्रवीण बोल रहे थे कि हम सेवा भी करते हैं, तो वो जो सेवा होती है वो निष्काम होती है, उसमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पर ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ सिखों की करूँगा, सारे जो आया उसका सब उसी का है। तो इस तरह की प्यार मोहब्बत का संदेश मैं देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, महेश भट्ट हमारे बहुत ही प्यारे अजीज हैं, इन्होंने पहचान बनाई है, बहुत ही सुंदर बनाई है। और इन्होंने जब ये जब हम 300 साल में मना रहे थे गुरु ग्रंथ साहब की, उसको गुरता गद्दी बोलते हैं, तो इन्हीं का जो सबसे 300 साल गुरु के नाल, आज तक लोग इन्विटेशन कार्ड में भी करते थे, इन्होंने किया था। प्रवीण जो है यूथ फेडरेशन में काफ़ी चलता आ रहा है। गिल साहब मेरे बड़े अजीज़ हैं, सबको आपको सबको मेरी शुभेच्छा। इंसानियत के साथ प्यार सिखाते चलो, आप भी पूरी कोशिश करो कि हम सबको अपने साथ लेके चले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर आप ही, आप ही दोनों सर आप ही। बैकड्रॉप देखिए आपके ऊपर मिल रहा है, पीछे दबा भाई, क्या कर रहे तुम मेरे को? आज इधर देखो इधर टर्न ले लीजिए सामने आपके लग पे देखिए सर, सामने 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 थोड़ा फोन आराम से भाई सामने देखिए सामने चलो 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 आज इसकी वजह से फोटो चलेगी सर, आप राइट में, राइट में Yeah.
कर दो मेन हीरो ठीक हो फाइनली क्या हाल है ये डिस्ट्रीब्यूटर साहब है ये प्रोड्यूसर है ये डायरेक्टर राइटर है ये हीरो है हमारे ये हमारे हीरो हैं तरसेम जसर साहब श्रीमान श्री महेश भट्ट आइए नजदीक आइए आप आ गया So good evening everyone. Hi, I need your attention everyone. Good evening and thank you and welcome to come here. I'd like to introduce YPSF, Young Progressive Sikh Forum. Hum sab ne milkar ek company ka naam hai Beli Janta. Beli matlab bilkul beli free aam. Aur unke paas ek khas फुरना आइडिया आया कि चलो एक जो नकली से असली वाला मैजिक कैसे बताएं सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग वेरी वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड टू इंट्रोड्यूस मिस्टर शरण आर्ट ही इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फैब्यूलस फिल्म मस्ताने मैजिकल फिल्म मस्ताने द राइटर एंड डायरेक्टर एंड प्लीज मीट द एक्टर नेशनल अवार्ड विनर तरसेम जसर जी मिस्टर गिल He's also acted in the film. Mr. Dalair Mehndi, who's contributed Gurbani in the film. He music sunke, Gurbani sunke, aapke rongte khade hoenge. Aur ye sach dekhna aapko, aisa sach, aisa magic, ke har aadmi apni life mein magic kaise la sakta hai. That is this film. The producer, quietly standing over there, Manpreet Johal ji, I thought he was the actor of the film when I met him first. Malcolm Arvind. Munish, Munish. And Manish, he's the distributor of the film. Wait, give me another Malcolm Arvind. And Arif Zakaria. Yeah, Mr. Zakaria. Thank you for coming, sir. And hum sab, Mr. Gurmeet, Dalair ji, Praveen ji, and Taran ji are all here. Thank you so much. मैं चाहती हूँ कि पहला सबसे पहला जिन्होंने जिसके दिमाग में ये आइडिया आया वो कुछ बात बताएं मैजिक का वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह साढ़े लिए ये है जो इतिहास की असी फिल्म बनाई है मैं हिंदी च बोला या पंजाबी हिंदी बोल जो हमारे इतिहास से जो योद्धा हैं जिन्होंने हमें इतिहास में हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ दिया है हमारे लिए हमारे मन में यही बहुत बड़ी बात थी कि हम भी कुछ अपनी आर्ट से अपनी कुछ क्रिएटिविटी से कुछ रिटर्न बैक कर सकें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमें ऐसे एक आइडिया के ऊपर जो पंजाबी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हुआ हमें वो चीज़ करने का मौका मिला और हमें खुशी है कि आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है और हमें खुशी है कि हम आप आज बॉम्बे आपके सामने अपने उस अच्छे ख्वाब को जो हमने देखा था वो पूरा हो के आप सभी ने प्यार दिया और दोबारा फिर आपके सामने उसको लेके आपके सामने आए हैं और इस रिस्पांस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारी टीम का और सभी आर्टिस्टों का दिलीपा जी का
अवतार जी का, महेश भट्ट सर का, जो आए यहाँ पे हमें इतना प्यार दिया, और हमारी सारी टीम की तरफ से आपका और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और पाजी सर, सेम पाजी, हु इज द एक्टर इन द फिल्म? सेम जसर जी, प्लीज जी। सत श्री अकाल सारिआं नूं एंड वेलकम। स्पेशली मैं वेलकम और थैंक्स करना चाहूँगा सर महेश भट्ट जी। सर आपकी मूवीज तो बचपन से देखते आए हैं, आज यही हमारी एक खुशी है, हमारे लिए खुशी है, हमारी एक प्राप्ति मैं बोलूँगा कि हम इनके साथ खड़े हैं। हमारे जैसे वो गांव से उठे हुए सिंपल लोग, एक छोटी सी हमारी अपनी टीम, मेरे दोस्त, मेरा भाई मनप्रीत, हमारी वेली जनता की टीम शरण। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये मूवी सिर्फ मेड इन पंजाब या मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन फतेहगढ़ साहिब है। हमारा, हम एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है फतेहगढ़ साहिब, जहाँ से उठकर मेरा डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब, मेरे से 8 किलोमीटर पर शरण आड़ रहते हैं, 10-12 किलोमीटर पर मनप्रीत रहता है मेरा दोस्त, हम कॉलेज के मेट्स हैं, सारी टीम, एक भी लड़का कोई ऐसा नहीं है टीम में जिसने सर कोई USA से पढ़ा हो, कोई मुंबई में पढ़ा हो, सारे पंजाब में पढ़े हैं, पंजाब में पढ़ी हुई है ये टीम। उस टीम के ऊपर उस भगवान की दया हुई, उसकी कृपा हुई कि उसने मस्ताने बनाई, क्योंकि वो मस्ताने ये एक सिर्फ मूवी नहीं है हमारे लिए, ये हमारी फीलिंग थी। इसके लिए 4 साल इन्वेस्ट किए, शरण आठ ने इन्वेस्ट किए, हमारे डायरेक्टर ने, हम सभी ने इन्वेस्ट किए, मेरा भाई मनप्रीत इसने इन्वेस्ट किए उसके ऊपर, एक एक चीज, आप एक एक कॉस्ट्यूम जो मूवी का देखोगे वो क्राफ्टेड है, कस्टमाइज्ड है। पहले कपड़ा लिया, फिर स्टिच किया उसका, लेदर के शूज सर, पहले लेदर लिया फिर वो स्टिच हुआ। और हम एक रीजनल सिनेमे को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास वो खुले बजट नहीं है, वो एक एक चीज के लिए हमें सोचना पड़ा कि कहाँ से बजट बच सकता है जो अच्छी जगह पर लगे, कोई ऐसा ना हो पैसा वेस्ट ना हो, हम कोई महंगे महंगे होटल्स में कोई ऐसा हमने वेस्ट नहीं किया पैसा। जो क्रू काम करता था, आपने शरणार्थ को देखोगे, हमारी AD टीम को देखोगे, एक एक चीज़ हैंडमेड जो कर रहे हैं ना, किसी भी प्रॉप पर, प्रॉप के ऊपर जो हैंडमेड है, शरण भी उसके ऊपर आर्ट वर्क कर रहा है, ये एक डायरेक्टर है, और जो एसोसिएट डायरेक्टर है वो भी क्राफ्ट कर रहा है अपने हाथ से। हम लोगों ने जज्बात इन्वेस्ट किए इसके ऊपर, इसी की वजह से शायद आज मस्ताने की चर्चा सिर्फ पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान में है। उन शूरवीरों की चर्चा सिर्फ पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान में है, क्योंकि वो शूरवीर सिर्फ पंजाब के नहीं, सभी के हैं, हिंदुस्तान के हैं, सारे वर्ल्ड के हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जान जाएगी, उन्होंने कोई अपनी ज़मीन के लिए, अपने लिए नहीं अपनी जान दी, उन्होंने जान दी सच के लिए, हक के लिए, सभी लोगों के लिए, उस हर एक मासूम के लिए जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। सो ये मस्ताने उन सबकी है, आप सबकी है, हम सबकी है, इसी की वजह से शायद ये सभी के दिलों में जा रही है मस्ताने। और मैं आप सभी का, सारी प्रेस का बहुत थैंक्स करता हूँ, दलेर मेहंदी पाजी, गुरमीत पाजी, तरन जी, प्रवलीन पाजी, YPSF की सारी टीम, साढ़े अवतार गिल पाजी, जो रबदा रेडियो 2 हमारी नेशनल अवार्ड मिला रबदा रेडियो 2 को, और अवतार गिल पाजी नेशनल अवार्ड वाली हमारी रबदा रेडियो में भी थे, ये हमारे लिए लकी बोल लो, हमारे बड़े हैं, इनसे बड़ा कुछ सीखते हैं। मुनीश सानी पाजी ओम जी से, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, हमारे भाई भी हैं और हमारे साथ काम करते हैं, ऑलवेज हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। आरिफ जकरिया जी, इन्होंने वाजिर का करेक्टर किया मस्ताने में, और भाई जी की एक्टिंग आप देखोगे कमाल सर। मेरी तरफ से, सारी टीम की तरफ से आप सभी का थैंक्स, और मेरी तरफ से सभी का थैंक्स। एक मैजिकल बात बिफोर एवरीबॉडी एंड्स, आई हैव टू शेयर, ये एक अपने आप में अजूबा है कि जितने दिन ये टीम, ये मूवी शूट हुई और जितने दिन इसका एडिट हुआ, द मूवी इज अबाउट द पावर ऑफ प्रेस, सो एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब सारी टीम ने खड़े होकर अरदास ना करी हो। क्या बात, बिना अरदास के ना शूटिंग चालू हुई, ना एडिट चालू हुआ, ना कलर करेक्शन चालू हुआ, ना कीर्तन हुआ, ना गुरबानी रिकॉर्ड हुई, और अपने आप लड़ी बर लड़ी लोग और दिल जुड़ते गए। सो दिस इज द मैजिक, यू हैव टू गो एंड सी दिस मैजिक अनरैवल टुडे, एंड भाई मैं, मुझे ये बात की बेइंतहा खुशी है कि जो रीजनल स्पेस से
जो एक नई एनर्जी आ रही है हमारे मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में भी, उससे हमारे जो है कद जो हैं आसमान को छूने लगेंगे। क्योंकि जब आपके ऐसे कलाकार जो है एक रीजनल स्पेस में सीमित हैं, जो बिल्कुल अपने तहजीब से जुड़कर अपनी प्योरिटी को लाकर स्क्रीन पर पेश करते हैं, तो इस दौर में जहाँ पर हर चीज़ मार्केटिंग बेस्ड है, वहाँ पर सच जो है लोगों को, लोग तरस रहे हैं सच के लिए, तो वो फौरन जो है उनके अंदर वो क्षमता होती है कि वो सही चीज़ को पहचान लेते हैं। तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि आग को किसी पीआरओ की ज़रूरत नहीं होती है, आग फैलती है, अपने आप फैलती है। तो ये फिल्म में इनकी रूह है, और ये रूह जो है इनके मज़हब की तहजीब में खड़ी हुई है, वो उसकी शान है जो दुनिया के कोने कोने पर फैल रही है। That's what I said. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. दोबारा हाँ कोई बात नहीं हो गया आज ही हो जी हाँ थैंक यू वेरी मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस दाना जी प्लीज कमेंट सो थैंक यू आईपीएस की तरफ से थैंक यू वर्ल्ड खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं लगता है कि आज जेड़ा पूरे देशों विदेशों के विच मस्ताने ने एक मोर छड़ी है, एक सिक्खी की पहचान छड़ी है, और जिते सिक्खी की पहचान छड़ी उसे जो देश वास्ते किया सिखा ने वो जो दर्शाया है, ये सारे कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं पिछले हफ्ते वैनकूवर से जब दिल्ली शो होया, पूरा वैनकूवर, पूरा तुहाड़ा कैलगरी, हर जगह हाउसफुल जा रहे हैं, और मैं लगता है इतिहास रचे गई है पिक्चर। अज तक योजी पिक्चर जी असी ना देखी है, ना यह इतिहास है, और जो दलेर भाई की आवाज़ और जो इतने किरदारा ने काम किया, मैं लगता है कि लाजवाब है, और ये एक लड़ी चलनी चाहिए है। और मैं आज एक बेनती भी करा मैं स्टेज तो कि तुम महाराजा रणजीत सिंह दिखाया लास्ट हूँ, अगली महाराजा रणजीत सिंह तो शुरू कर देंगे कि जो सैकेंड पार्ट है वो महाराजा रणजीत सिंह की जी एंट्री है, एंट्री तो नवी शुरुआत हो। मैं तुम्हें सारे बधाई दिना, और देशों विदेशों तो सिखा ने जो तुम्हें बधाई भेजी है अज, मैं क्या मतलब कैनेडा तो, वैनकूवर तो, कैलगरी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਔਰ ਮੂਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਓ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ याद आ रहे थे कि जाके तीजी चौथी लाइन ऐड करवाई थी जो घर एक लाइन ऐड से दूजी लाइन ऐड Yeah.
पहली चीज को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और पंजाबी फिल्म का ट्रेंड वापस आ रहा है हिंदी फिल्म से ज़्यादा। और मैं यही अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरह हिंदी फिल्मों को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमें पंजाबी फिल्म को भी करना चाहिए, क्योंकि कमाल के एक्टर्स हैं, कमाल की चीज़ें हैं, कमाल की स्टोरी है, कमाल की स्क्रिप्ट है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरी अपकमिंग फिल्म है अनीस भाई के साथ, अनीस वज़्मी के साथ, जो आने वाली है, जो अगले साल स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं हूँ, शाहिद कपूर है, अनीस वज़्मी है, प्रकाश राज है,